गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चार्जेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब मेरा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। According to Coulomb's law in electrostatics, it states that attractive or repulsive force between two charges is directly proportional to product of two charges. Suppose Q1 and Q2, दो charge हैं, two point charges. And the distance between them is smaller. तो कूलम्ब्स लॉ कहता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब मैंने इसको कंबाइन किया दोनों को कंबाइन वन एंड टू, तो मेरे पास आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एफ is equal to C Q1 Q2 by R square, where C proportionality constant। और जो C होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0k, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी, इंटू 10^-12। याद रखेंगे, और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन क्लियर, पाई आपको पता है 22/7 या फिर 3.14। के क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम का नेचर क्या है उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है। के की वैल्यू फॉर वैक्यूम और एयर, के की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरह से From equation 1 and 2, from F को लिखा जा सकता है 1/Q1 Q2 by R square। लेकिन वैक्यूम और एयर K की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको 1, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन जो वर्ड मैं इसके लिए बोल रहा हूं, एप्सिलॉन मैं बता दूं, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये एप्सिलॉन
Students, इसी में आगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई की जगह 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.856 इंटू 10 एस टू पावर माइनस, जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 एस टू पावर 9, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इस पर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि यहां पर मैं बताना चाहूंगा, बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू के Q1, Q2 by R square। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें if R is equal to 1 meter, F is equal to 9 into 10 is power 9 Newton, Q1 is equal to Q2 is equal to Q, तब 9 into 10 is to power 9, हमने F की वैल्यू यहां पर रखी 9 into 10 is to power 9, ये लिखा Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q और R यानी R की जगह 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। तो यहां से कूलम की डेफिनेशन, यानी यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज set to be 1 coulomb if they are placed placed at a distance of 1 meter experience attracting or repulsive force of 9 into 10 is per 9 newton in vacuum और एयर। स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज सेट टू बी 1 कूलम इफ दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 into 10 is to power 9 newton इन वैक्यूम और एयर। स्टूडेंट्स, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, स्टेट कूलम।
क्या होती है? स्टेट कूलम्ब. और वन कूलम्ब इज इक्वल टू स्टेट कूलम्ब. वन कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹ स्टेट कूलम्ब. स्टूडेंट्स, इन सीजीएस 1/4πε₀ 1 होता है, तब हमारी एफ की जो फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, किसमें आएगा ये, इसकी ये यूनिट क्या हो जाएगी, डाइम. ये हमारे पास डाइम, और जबकि यहां पर जब हम इसको 9 × 10⁻¹⁹ ये लेकर चलेंगे तब न्यूटन, एसआई में न्यूटन और एसआई में चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब. सीजीएस में चार्ज की यूनिट है स्टेट कूलम्ब, और हमारा कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा. और फोर्स की यूनिट क्या आएगी, डाइम. फोर्स की यूनिट क्या होगी, डाइम. स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं डिस्कस करता हूं आपसे. ये मेरे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास टू इक्वल चार्जेस, क्वेश्चन है टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 0.1 ग्राम फोर्स. डिटरमाइन चार्जेस. ठीक है, कार के लिए एयर. ठीक है, हमें चार्जेस निकालने हैं, जो दो इक्वल जो चार्जेस हैं उनको निकालने हैं. तो टू इक्वल चार्जेस है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लीजिए, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर और उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, 0.1 ग्राम फोर्स, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 0.1/1000 kg. और इसको न्यूटन में बदलने के लिए × 9.8 N. हमारे पास F आ गया, ठीक है, और F कितना आ गया हमारे पास, 9.8 × 10⁻⁴ N. स्टूडेंट्स, हम इसमें कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकस लगाएंगे. कैसे, देखो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε₀ Q1 Q2 / r² या 9 × 10⁻¹⁹ Q1 Q2 / r². हमने एफ की वैल्यू 9.8 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻¹⁹ हमारे पास यहां पर Q निकालना है, तो Q1 को भी Q ले लिया और Q2 को भी Q और R को क्या ले लिया आपने, 3 मीटर. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास Q² क्या आ गया हमारे पास, 9.8 × 10⁻⁴ ये ऊपर जाकर क्या हो गया, 9 upon
9 into 10 is per 9, ये नीचे चला गया, तो इस तरह से q square is equal to 9.8 into 10 is per minus 4, ये cancel हो गए, ये ऊपर जाकर minus 9, तो q square is equal to 9.8 into 10 is power minus 13, minus 13, या लिख सकता हूं q square is equal to 98 into 10 is power minus 14, नीचे 10 आ जाएगा और ये minus 14, सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 9.9 into 10 is power minus 7 कूलम्ब एप्रोक्स, सॉल्व करेंगे इस तरह से हमारे पास ये आ गया चार्ज। स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में और भी दूंगा आपको, बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा एक नई टर्म आपने सुनी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, इससे क्या कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, उन सबको मैं समझाता हूं आपको। ये लीजिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हमारे टॉपिक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, ये किस में है, वैक्यूम वैक्यूम। इसी तरह से इन मीडियम मैं बताना चाहूंगा यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, जबकि इन मीडियम एफ मीडियम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन Q1, Q2 by यहां हमने वैक्यूम में लिया था और यहां हमने किस में लिया है, मीडियम में। यहां पर एप्सिलॉन क्या, व्हाट इज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन एप्सिलॉन यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती। अभी क्लियर हो जाएगा, मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अब डिवाइड वन बाय टू यानी एफ वैक्यूम
डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, एफ वैक्यूम हमारे पास है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। एफ मीडियम क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया और जब डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। जब डिवाइड करूंगा देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो गया और ये मेरे पास बच गया एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन ऊपर चला गया और एप्सिलॉन नॉट। आप समझ गए यहां पर? यहां पर आप चेक कर ले एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और दिस रेशियो, इस रेशियो को क्या कहते हैं हम एप्सिलॉन आर और के। दिस रेशियो दैट इज, इसी को क्या कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी और क्या कहते हैं इसको के, के यानी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनकी जो डेफिनेशन है यानी डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन आर और के, पहली डेफिनेशन है एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यानी पहली डेफिनेशन हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। स्टूडेंट्स यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर होता है, वो कंसेप्ट ये है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय के। ये ध्यान रखना है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि आप लिखें एफ मैडी मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। स्टूडेंट्स इसी तरह से एक डेफिनेशन और है इसकी, वो डेफिनेशंस क्या है और डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन आर और के क्या है। एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन यानी रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर है? और यहां से एक चीज और क्लियर होती है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर भी हमारे पास है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर। यानी यहां पर ये एक कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर होता है, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया अलग अलग नेचर का, अलग अलग मीडियम जो है उसकी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। दैट इज डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट।
फॉर एग्जाम्पल के एयर के लिए या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1, वाटर वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80, एनसीईआरटी में या कहीं 81 भी लिखा हुआ है। इसी तरह से माइका, माइका के लिए के की वैल्यू क्या होती है 6, मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मेरी बात समझ गए, सबसे कम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, साथ साथ हमें करने हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वाटर, इन वाटर डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वाटर, यानी मुझे एप्सिलॉन निकालना है। ठीक है, जबकि एप्सिलॉन नॉट मुझे पता है 8.856 × 10⁻¹² न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन हमारे पास कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप चेक कर लेंगे ये कैसे आया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4π q1 q2 अपॉन r स्क्वायर f। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर। ये ऊपर जाकर f, ऊपर जाकर न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये टॉपिक जिसमें मैंने आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें मैंने यूनिट देख लेना, शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, वो चेक कर लेना आप। ठीक है, वो चेक करना और इससे लिखना। क्लियर है? वाटर के लिए के की वैल्यू, वाटर के लिए के की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 80। तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट 8.856 × 10⁻¹², एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए, के कितना है 80। तो इस तरह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, कूलम न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर एंड
force between